कौन है ये लड़की जिसके क्यूट एक्सप्रेशन पर लड़के पागल हो जा रहे हैं? और भारत के 5 सबसे महंगे घर कौन से हैं? और 3 ऐसी कार अगर जो आपने खरीद ली तो पूरा नेता जैसा फीलिंग आएगी? और भारत के 3 दुश्मन देश कौन से हैं? और भारत के सबसे हैंडसम आदमी कौन है? जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इनसे मिलिए। इनका नाम है अनुपमा अग्निहोत्री, मॉडलिंग और इंस्टाग्राम रील्स की न्यू सेंसेशन है। इनके वीडियोस और फोटोज देखकर लोगों के बीच में तहलका मच जाता है। अनुपमा एक आर्टिस्ट है, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और फॉलो भी करते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करती रहती हैं, जो कि लोग खूब पसंद करते हैं। अनुपमा के इस समय इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों बाहुबली और RRR जैसी मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर राजमौली पूरी दुनिया में सफलता का परचम लहरा चुके हैं। हाल ही में RRR को बेस्ट क्रिटिक का ऑस्कर अवार्ड मिला है, जो कि पूरे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। राजमौली एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है, जिन्होंने मक्खी, RRR और बाहुबली जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। हर कोई राजमौली के साथ काम करना चाहता है, चाहे वो कलाकार हो या प्रोड्यूसर। लेकिन क्या आप जानते हैं राजमौली एक फिल्म को डायरेक्ट करने के कितने पैसे लेते हैं? राजमौली ने बाहुबली को डायरेक्ट करने के लिए 18 करोड़ लिए थे। उसके बाद बाहुबली 2 के लिए उन्होंने प्रॉफिट में से एक तिहाई हिस्सा लिया था, यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए। इसके बाद RRR के लिए उन्होंने फिल्म के प्रॉफिट में से 30% शेयर लिया था, जो कि 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, ये सभी जानते हैं। नेपोटिज्म का सहारा लेकर ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कि बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं, जिनमें से अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर जैसे नाम शामिल है। लेकिन एक ऐसा नाम जिस पर नेपोटिज्म का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो कलाकार आए भले ही थे अपने पिता की फिल्म से, लेकिन अपनी एक्टिंग के दम पर उसने इंडस्ट्री में जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन ने भले ही अपने पापा की फिल्म से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी एक्टिंग और बेहतरीन डांस के चलते उन्होंने बॉलीवुड में सफलता पाई है और उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों यूपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बुलडोजर से एक मस्जिद को गिराया जा रहा है। पहली नजर में देखने पर यह गलत लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया। असल में इस मस्जिद पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था, जिसके चलते योगी सरकार ने सिर्फ झंडे को ही नहीं बल्कि पूरी मस्जिद को ही गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में रहते हुए किसी दूसरे देश के झंडे को लहराना गुनाह माना जाता है, और ऐसा करने पर सजा का भी प्रावधान कानून में दिया गया है। हालांकि योगी जी ने सिर्फ इस मस्जिद को ही गिराया है, इसके लिए किसी को जेल में डालने की खबर अभी तक नहीं मिली है। फैक्ट नंबर 8, भारत के 5 सबसे महंगे घर 5 नंबर पर आता है। शाहरुख खान का मन्नत, जो कि मुंबई के बांद्रा में मौजूद है और 200 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। 4 नंबर पर आता है जाटिया हाउस, ये घर भी मुंबई में ही मौजूद है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास है, जिसे 425 करोड़ रुपए में बनाया गया है। नंबर 3 पर आता है एडोब हाउस, जो कि अनिल अंबानी जी का है, जिसमें धीरूभाई अंबानी का पूरा परिवार रहा करता था, लेकिन बंटवारे के समय ये घर अनिल अंबानी के हिस्से में आ गया, जिसे 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दूसरे नंबर पर आता है जेके हाउस, ये घर रेमंड कंपनी के चेयरमैन गौतम सिंघानिया का है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसे 710 करोड़ रुपए में बनाया गया है। और पहले नंबर पर आता है एंटीलिया हाउस, जो कि मुकेश अंबानी का है। ये पूरी दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट हाउस है, जिसे 10,000 करोड़ रुपए में बनाया गया है। फैक्ट नंबर 7, भारत की 3 ऐसी गाड़ियां जिन्हें अगर आपने खरीद लिया तो आपको पॉलिटिशियन वाली फीलिंग आएगी। पहले नंबर पर आती है टाटा सफारी। नई सफारी बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन पुरानी सफारी को ड्राइव करने पर जो फील आता था, उसके बराबर ये नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जिसके मुकाबले की गाड़ी आज तक कोई आई ही नहीं है। इसका डैशिंग लुक देखकर हर कोई इस पर जान लुटा देता है। नंबर 1 पर आती है पॉलिटिशियन। लोगों की पहली पसंद टोयोटा फॉर्च्यूनर। जितना वजन इस गाड़ी के नाम में है, उतना ही वजन इसके परफॉर्मेंस में भी है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और इसे रोड किंग भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, भारत के 3 ऐसे दुश्मन जो भारत से बेहद नफरत करते हैं। पहले नंबर पर आता है टर्की। एक समय ऐसा था जब टर्की का नाम बहुत ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज इस देश का नाम गुमनाम सा हो चुका है। बहुत से लोग इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं, क्योंकि इन दोनों ही देशों का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। दूसरे नंबर पर है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये बात हम सभी जानते हैं कि भले ही पाकिस्तान के लोग कितनी ही प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन उनके अंदर भारत के लिए नफरत भरी हुई है, और कितनी ही बार खुलेआम भारत को धमकियां देते हुए ये लोग नजर भी आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है चाइना। वैसे तो चाइना पूरे दुनिया का दुश्मन है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इसे भारत से ही होती है, क्योंकि चाइना के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करता है, और यही कारण है कि चाइना भारत के मार्केट पर कब्जा करना चाहता है और भारत उसे ऐसा एक भी मौका नहीं दे रहा है। फैक्ट नंबर 5, भारत की टॉप 10 हैंडसम मैन की 2023 की लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है वरुण धवन, 9 नंबर पर शाहिद कपूर, 8 नंबर पर रणवीर सिंह, 7 नंबर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा, 6 नंबर पर अखिल अक्किनेनी, 5 नंबर पर जॉन इब्राहिम, 4 नंबर पर है महेश बाबू, 3 नंबर पर रणबीर कपूर, 2 नंबर पर विराट कोहली, और पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में हैंडसम मैन का खिताब जीतने वाले ऋतिक रोशन। आपका इस लिस्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमारे यहाँ पर लड़की छेड़ने के लिए कानूनन कोई प्रावधान हो या ना हो, शेरों को छेड़ने के लिए कानूनी प्रावधान जरूर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जंगल में बैठे हुए शेरों को छेड़ा या उन्हें परेशान किया तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी बेल भी नहीं हो सकती। फिर जंगलों में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब कुछ लोग कार के बोनट पर बैठकर शेर का पीछा कर रहे थे।
थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। यहाँ तक कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों तक ये वीडियो पहुंचा, उन्होंने तुरंत इन लोगों को धर दबोचा और मामला दर्ज कर लिया। इन लोगों को इसके लिए जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे फोन में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़े होते हैं। जीमेल का पासवर्ड भूल जाने पर हम फॉरगेट पासवर्ड करके उसे वापस भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी आपका जीमेल अकाउंट ही हैक कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? चलिए सॉल्यूशन हम बताते हैं। गूगल ने इसके लिए एक सिक्योरिटी की बनाई हुई है। ये की एक पेन ड्राइव की तरह होती है। ये डिवाइस गूगल अकाउंट के साथ लिंक हो जाती है और गूगल का ये नया फीचर है, बिना इस सिक्योरिटी की के आपकी जीमेल को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी कि हैक होने का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहां पर भारत का गरीब से गरीब इंसान जाकर भी करोड़पति बन जाएगा। पहला साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की करेंसी कोरियन बोन है। भारत के 2000 रुपए वहां के 32,668 कोरियन बोन बनते हैं, यानी कि आप सिर्फ 2000 रुपए खर्च करके 32,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर है वियतनाम। वियतनाम की करेंसी का नाम दांग है। भारत के 2000 वियतनाम में जाकर 58,798 वियतनामी दांग के बराबर है। और अब नंबर आता है ईरान का। ईरान की करेंसी का नाम ईरानियन इराल है। ईरान में भारतीय 2000 रुपए 10,63,368 ईरानियन इराल होते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने भारत से भी बहुत गरीब देश इस दुनिया में है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं फिजेट स्पिनर पॉपुलर भी मिडिल एज महिलाओं की वजह से हुए थे और इनके गायब होने का कारण भी वही है। 2017 में जब ये मार्केट में स्पिनर आए तो महिलाएं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने फिजेट स्पिनर में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और अपने बच्चों के लिए खरीद लिए, जिसकी वजह से बच्चे स्पिनर में ही लगे रहते थे और अपनी मम्मी को कम परेशान करते थे। इसलिए इसी साल के अंत में फिजेट स्पिनर की सेल अपने हाई पॉइंट पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर खबर आई बच्चे स्पिनर स्कूल में ले जाने लगे हैं, क्लासरूम में इन्हें उड़ाने लगे हैं और इनकी वजह से दूसरे बच्चों को चोट भी लगने लगती है। रिसर्च में पाया गया कि जिस मटेरियल से ये बने हैं वो बच्चों के लिए हानिकारक है। इसके बाद स्कूल और कॉलेज में इन्हें बैन कर दिया गया और बच्चों की मदर्स ने भी इन्हें खरीदना बंद कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।